हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक किसी भी दवा से रिलेटेड नहीं है। आज हम आपको यूनिक आईडी के बारे में बताएंगे, जो कि फार्मेसी वाले स्टूडेंट के लिए। आपको गूगल पे जाना है और वहाँ पर UPFDA सर्च करना है, जिससे कि आपको फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी। फर्स्ट वेबसाइट को आप क्लिक करेंगे, वैसे ही उसके बाद कुछ इस तरह से क्राइटेरिया आपके सामने आ जाएगा। तो इसमें आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी, होम, अबाउट, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन। पहले हम इसको डेस्कटॉप साइट पर कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको। आप जैसे कि देख सकते हैं, थर्ड वाली लिंक है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जब थर्ड वाली लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से क्राइटेरिया आपके सामने आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से आ रहा है। आपको वहाँ जाना है, रजिस्टर करना है, उसके बाद आपको इसमें टेक्निकल पर्सन पर क्लिक करना है, उसके बाद रजिस्टर कर देना है। उसके बाद जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको इसमें आधार कार्ड का नंबर मांगे। जब आप आधार कार्ड के नंबर को अपने इसमें मेंशन कर देंगे, हर 4 डिजिट के बाद आपको स्पेस देना होगा, जो कि आपको आपका आधार नंबर इस पर डालते ही आपके फ़ोन नंबर पर एक OTP जाएगा। पहले तो इस तरह से देखिए, हमने आधार नंबर डाल दिया है, उसके बाद इस पर क्लिक करते ही हमारे पास एक OTP गई है। OTP को आप के फ़ोन पे आएगा, जिसको आपको यहाँ पे डालना है। आपको यहाँ पर जैसे ही आप अपना OTP नंबर डालेंगे, वैसे ही कुछ देर बाद आपको एक प्रोफाइल सामने खुल के आ जाएगी। ये देखिए, सबमिट OTP करा हमने, उसके बाद आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपकी डेस्कटॉप पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें टाइटल है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम है, और मदर नेम, फादर नेम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, और ये सारी चीज़ें हैं। और वर्क और रोल है, इस पे आपको फार्मासिस्ट सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप फार्मासिस्ट हैं। इस तरह से आप कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो लगानी होगी, जो कि इसमें साइज़ दिया गया हो, उस साइज़ के अकॉर्डिंग आप उसमें फ़ोटो डाल देंगे अपनी। और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर किस डेट पर अप्लाई हुआ है, और 1 ईयर वैलिड होता है तो आप उसकी लास्ट 1 ईयर की वैलिडिटी डाल देंगे। उसके बाद अपना एड्रेस डाल देंगे, जो आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस भी सेम ही होगा। तो आपको यहाँ पर ID दी है, ID टाइप, उसमें आप जो भी आपके पास ID है वहाँ डाल दीजिए। उसके बाद लास्ट में आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड और कोड डालना है, जिसके बाद आप उसको रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, जिससे कि आपकी यूनिट आईडी बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। और अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको कोई मैसेज है तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, और वहाँ से मैसेज करके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जान सकते हैं और यूनिक आईडी के बारे में पूछ सकते हैं। हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।